वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह संगत जी। हाँ जी, सो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना भुजंग प्रयात छंद की सेकंड हाफ, सेशन नंबर 5। सो जैसे नमस्तंग वर्ड है, ऑलरेडी हम पिछले सेशन में देख चुके हैं। सो इसको नमस्तंग कहना है, नमस्तंग नहीं कहना, इसके लास्ट में ग की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नमस्तंग। और इसको ध्यान देना, प्रभोग्य कहना हमने, मोस्टली सुनने में आता है कि हम या प्रभोग्य कह देते हैं या परभोग्य कह देते हैं। पप्पा रारा भी नहीं लगाना यहाँ पे, और बब्बे की साउंड नहीं आनी चाहिए, इसको प्रेशर देना है। सो प्रपोगे और नमस्तंग सो जोगे, इनको अलग अलग पढ़ना, एक साथ नहीं पढ़ना। सो जोगे नहीं कहना है इसको, इसको कहना है नमस्तंग सो जोगे। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था नमस्तंग सो एक है, राइट, उसी तरीके से ये भी है, नमस्तंग सो जोगे। नमस्तंग अरंगे, नमस्तंग अपंगे, टोटल पढ़ी, नमस्तंग प्रपोगे, नमस्तंग सजोगे, नमस्तंग अरंगे, नमस्तंग अपंगे, नमस्तंग अगम्मे, नमस्तस्तरम्मे, नमस्तंग जलासरे, नमस्तंग निरासरे, नमस्तंग, अगेन वही अक्षर है, इसको नाक से बोलना है। और ये जो अक्षर है नया आया है नमस्तस्त, इसको ध्यान देना है कि हमने काफी जने क्या करते हैं कि नमस्त एक साथ पढ़ देते हैं, वो चार पहले जो चार हैं उनको एक साथ पढ़ते हैं, फिर लास्ट में सत कहते हैं। सो इसको पढ़ना कैसे कि नमस्तस्त, कह लो कि नमस को एक कर लो और तस्त को अलग कर लो, इसको नमस्त सत नहीं कहना। सो नमस्त सत नहीं कहना, नमस्तस्त अलग अलग, अगर आप नमस्त पढ़ लो अलग से, फिर तस्त पढ़ लो अलग से, फिर दोनों को जोड़ दो, अलग अलग नहीं पढ़ना, एक साथ ही पढ़ना है, बट जस्ट आइडिया देने के लिए। नमस्त सत नहीं कहना इसको, इसको कहना है नमस्तस्त, नमस्तस्त रम्मे, नमस्तंग जलासरे, नमस्तंग निरासरे। और यहाँ पे जस्ट वही हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जो हमारी हमने देखे थे, जो मात्रा वाली, जो हमने देखा था कि भुजंग प्रयात छंद की चाल होती है, वो चीज़ यहाँ पे भी आप देखोगे अप्लाई हो रही है। जो हमने मात्रा देखी थी, ISS आप समझ लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई लघु मात्रा है और एस दीर्घ मात्रा है। ठीक, सो नन्ना आ गया लघु, फिर म स मिलके वो दो की साउंड दे रहे हैं, त स मिलके ये वाली साउंड दे रहे हैं, फिर त ये वाली साउंड दे रहा है सिंगल है, फिर टिप्पी और ममेला ये दोनों लंबी साउंड है। सो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है, मतलब हमारी भुजंगों वाली चाल मेंटेन हो रही है यहाँ पे भी। आगे और भी ऐसे वेरिएशंस आते हैं, बहुत ब्यूटीफुली मतलब महाराज ने डिज़ाइन किया हुआ है इसको। सो नमस्तंग अगम्मे, नमस्तस्त रम्मे, नमस्तंग जलासरे, नमस्तंग निरासरे, नमस्तंग अजाते, नमस्तंग अपाते, नमस्तंग अमजबे, नमस्तस्त अजबे। अगेन नमस्तंग कहना है नाक से, नमस्तंग नहीं कहना। और जो अमजबे अक्षर है इसको ध्यान देना है कि अमजबे नहीं कहना, अम और जबे नहीं जोड़ना, अ को अलग पढ़ना है, मजबे को अलग पढ़ना है, कि उनका कोई मजहब नहीं है। सो अमजबे, ऐसे चार अक्षर बहुत सारे आएंगे, ध्यान देना है। सो हमेशा हमको यही ध्यान रखना है कि आगे भी पौड़ी में आएंगे, अलग अलग पौड़ी में, जिसमें कि ऐसे चार अक्षर आएंगे, जैसे ऐडा मम्मा जज्जा बब्बा है ना, सो अमजबे चार वर्ड है इसमें, तो उसको ध्यान देना है कि अ को हमेशा ऐसे संबंधक करके पढ़ना होता है, और जो बाकी उसके पीछे जो अक्षर होता है उसको एज अ टोटल वर्ड पढ़ना होता है। सो अमजबे क्या पढ़ना है, इसको अमजबे नहीं पढ़ना। और सेम चीज नमस्तस्त वाली चीज यहाँ पे भी आ गई, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी फॉलो होगा। सो नमस्तंग अजाते, नमस्तंग अपाते, नमस्तंग अमजबे, नमस्तस्त अजबे, नमस्तस्त अजबे। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और यहाँ पे भी आप देखोगे सेम रूल फॉलो हो रहा है। पीछे में क्या था कि हमारा नमस्तस्त रम्मे था, यहाँ पे है नमस्तस्त अजबे, है ना, कि नन्ना हो गया मैच, मम्मा सस्सा मैच हो गया, तत्ता सस्सा मैच हो गया इसके साथ, फिर ये आई वाली मात्रा तत्ते के साथ आ गई, फिर ऐड़ा जज्जा दो की आवाज़ आ गई, फिर बब्बे में ला एक की आवाज़ आ गई। सो यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो हुआ। नेक्स्ट, अदेसंग अदेसे, नमस्तंग अपेसे, नमस्तंग नर्दामे, नमस्तंग नर्बामे। अदेसंग पढ़ना है इसको टिप्पी के साथ, जैसे हम नमस्तंग पढ़ते आए हैं वैसे ही इसको अदेसंग पढ़ना है, अदेसन नहीं कर देना, सुनने में आते हम न की आवाज़ दे देते हैं, अदेसन पढ़ देते हैं। सो अदेसन अदेसंग, और नमस्तंग तो हम ऑलरेडी देखते ही आए हैं, और नर्दामे नर्बामे, नन्हे पैरी रारे की आवाज़ आनी चाहिए, पूरी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नन्ना रारा नहीं कहना, नृता में निर्बा में नहीं, नृता में निर्बा में।
सो अदेसं अदेसे नमस्तं अपेसे नमस्तं निर्धामे नमस्तं निर्वामे। नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे। पहला अक्षर दयाले, दद्दा एड़े के साथ है, मतलब दद्दा फिर एड़ा है, तो उसको ध्यान देना कि दयाले ही पढ़ना है, दयाले नहीं पढ़ना, और दद्दे और एड़े के बीच में ईडी नहीं लगानी हमने, सो दयाले नहीं दयाले। और भूपे अक्षर जो है उसको ध्यान देना है, पहला पब्बा है दूसरा पप्पा है, सो पू पे हम मोस्टली ये हो कर देते हैं कि या तो दोनों को पूपे कर देते हैं, दोनों में पप्पा लगा देते हैं, या फिर दोनों को ही पब्बा कर देते हैं, पूपे पूपे ऐसे कर देते हैं, तो पूपे नहीं करना है इसको, इसको करना पूपे रूपे पूपे, ये ध्यान देना है। बड़ी हल्की सी डिफरेंस है जो पकड़ानी भी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है शायद। तो नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व पूपे। और यहाँ पे भी वही रूल हमारा फॉलो हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो नन्ना आई, मम्मे में ओ होड़ा लंबी मात्रा आ गई, सस्सा रारा दो बन गए ये लंबी मात्रा आ गई, फिर बब्बा सिंगल आ गया, फिर कक्का लंबा ले लंबा, फिर तो यहां पे भी सेम रूल अप्लाई होगा हमारा। नेक्स्ट, सो नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले। यहाँ पे काले अक्षर जो है इसको बस इतना ध्यान देना है कि इसको काले जैसे लिखा है वैसे पढ़ना है, काले नहीं कहना, जैसे पंजाबी में नॉर्मली काले कह देते हैं, तो लल्ले पैर बिंदी की आवाज नहीं आनी चाहिए, सो काले और पाले। नेक्स्ट, नमस्तस्त देव नमस्तं अपेव नमस्तं अजन्मे नमस्तं स बन में। नमस्तस्त में वही रूल है फिर से, नमस्तस्त और नमस्तं अक्षर भी हम देखते आए हैं, नाक से आवाज आनी चाहिए। और अजन्मे यहाँ पे फिर से वही चार वाला अक्षर आ गया, तो इसको ध्यान देना है कि अजन्मे नहीं पढ़ना हमने, अजन्मे पढ़ना है, ओ को अलग रख के जन्मे पढ़ना है, जन्मे वर्ड। और ये वाली नई चीज हो सकती है काफी के लिए, इसको हो सकता है कि आप सुबन में पढ़ते हुए आए हो अब तक, सो इसको सुबन में नहीं पढ़ना, एक साथ नहीं पढ़ना इनको, सो बन में अलग अलग पढ़ना है इसको ऐसे, सो नमस्तंग सो बन में, नॉट नमस्तंग सुबन में। और यहाँ पे भी वही रूल हमारा अप्लाई होता दिख रहा है, सो नन्ना मम्मा सस्सा तंग फिर सो छोटी मात्रा बब्बा नन्ना लंबा में फिर लम्मा, सो सो बन में। इसको पढ़ेंगे, नमस्तस्त देव नमस्तं अपेव नमस्तं अजन्मे नमस्तं स बन में। नमो सर्व गौने नमो सर्व पावने नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे। इसको गौने और पावने पढ़ना है उड़े के साथ, इसको गौने नहीं कर देना और ना ही गोने पढ़ना है और ना ही गौणे पढ़ना है, काफियों की अनाणे की आवाज आ जाती है नन्ने की जगह, सो ध्यान देना है कि पहली चीज तो ऊड़े की आवाज आनी चाहिए, गौ गो नहीं, या ना ही गौ, ना गो ना गौ, इसको हमने पढ़ना गौ गौ गौ, फिर ने पढ़ना भी ने या अणे नहीं करना, सो गौने और पौने। बाकी नीचे वाले अक्षर सिंपल ही है, सो नमो सर्व गौने नमो सर्व पावने नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे। नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तं अबरने नमस्तं अमरने। नमस्तस्त वर्ड वैसे ही पढ़ना है, और दयाले अक्षर फिर से आ गया, इसको भी हमने वैसे ही पढ़ना जैसे लिखा है दे आले, ईडी की आवाज नहीं आनी चाहिए, दयाले नहीं करना इसको। और नमस्तंग अक्षर तो हम देखते ही आए हैं, सो नमस्तंग पढ़ना है इसको। अब यहाँ पे भी वो रूल चेक कर ले, नया फिर से एक तरीका आया लिखने का, सो इसको भी हमारा सेम रूल अप्लाई हो रहा है। सो नन्ना मो नमो, पहले क्या था नमो सर्व करके आ रहा था ना, नमो सर्व काले नमो सर्व पाले, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, नमो काल काले आया, बट रूल यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, का लंबी मात्रा आ गई है ना, फिर लल्ला सिंगल, फिर ये लंबी मात्रा, फिर ये भी लंबी मात्रा, सो नमो काल काले। नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्व तंदे नमोस्त अबंदे।
नमस्तंग अक्षर ध्यान देना है और जरारंग पढ़ना है इसको, जजारंग नहीं कर देना, दो रा है जरारंग। काफ़ी जने ये भी सुनने में आते कि बीच वाला एक रारा जो है उसको खा ही जाते हैं, सो उनका कुछ अजीब सी आवाज़ आ जाती है। सो जरारंग की आवाज़ आनी चाहिए, रारा कन्ना प्रॉपर आवाज़ आए फिर रंग की आवाज़ आए। सो नमस्तंग जरारंग, नमस्तंग कृतारंग, कृतारंग में अगेन कक्के के पैर में रारा है, और नमो सर्वतंदे नमोस्त। अब इसको क्या पढ़ना है, नमोस्त एक साथ पढ़ना है ये पूरे अक्षर को, नमोसत नहीं करना इसको, नमोसत अबंदे नहीं करना, एक साथ पढ़ना। और पढ़ना भी कैसे है, नमोसत नहीं नमोस्त स्त ऐसी आवाज आनी चाहिए। सो सस्ते को हमने पूरी लंबी साउंड नहीं देनी, सो नमोस्त नमोस्त अबंदे इसको ऐसी आवाज देनी है हमने। और लास्ट में अबंदे तद्दे के साथ है तो इसको हमने प्रेशर देना है, ध्यान देना है कि दद्दी की आवाज ना आ जाए, अबंदे वाली आवाज ना आ जाए, अबंदे तद्दे की आवाज आनी चाहिए। सो नमस्तंग जरारंग, नमस्तंग कृतारंग, नमो सर्व तंदे, नमोस्त अबंदे, नमस्तंग नृसाके, नमस्तंग नृबाके, नमस्तंग रहीमे, नमस्तंग करीमे। नमस्तंग अक्षर और नृसाके और नृबाके वैसे ही पैर में रारा है तो पैर में रारे की आवाज आनी चाहिए, पूरे रारे की आवाज नहीं आनी चाहिए, बाकी सारे सिंपल ही है, रहीम में और करीम में। सो टोटल नमस्तंग नृसाके, नमस्तंग नृबाके, नमस्तंग रहीम में, नमस्तंग करीम में, नमस्तंग अनंते, नमस्तंग महंते, नमस्तस्त रागे, नमस्तंग सहागे। नमस्तंग अक्षर वैसे ध्यान देना है और नमस्तस्त फिर से आ गया, इसको भी वैसे ही पढ़ना जैसे हम पीछे देख चुके हैं, और बाकी सारे अक्षर इसमें नॉर्मल ही है, ज़्यादा कुछ वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो नमस्तंग अनंते, नमस्तंग महंते, नमस्तस्त रागे, नमस्तंग सहागे, नमो सर्व सोखंग, नमो सर्व पोखंग, नमो सर्व कर्ता, नमो सर्व हर्ता। सोखंग और पोखंग अगेन खखे के ऊपर टिप्पी है तो खंग में खत्म हो जानी चाहिए, नाक में ही खत्म हो जानी चाहिए, न की आवाज नहीं आनी चाहिए। सो सोखन या पोखन नहीं करना है इसको, सोखंग पोखंग, बाकी सिंपल है कर्ता और हर्ता। सो नमो सर्व सोखंग, नमो सर्व पोखंग, नमो सर्व कर्ता, नमो सर्व हर्ता, नमो जोग जोगे, नमो भोग भोगे, नमो सर्व दयाले, नमो सर्व पाले। ये हमारे लास्ट पार्ट है, इसमें एक ही अक्षर है दयाले वाला, जैसे हम दो बार देख चुके हैं ऑलरेडी, इसको भी जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना है। सो दयाले कहना है, दयाले नहीं पढ़ना। एक छोटी सी चीज मैं शेयर करना चाहता था, कंठ करने के जो टिप्स है, सो क्योंकि हमारा ये छंद आज कंप्लीट हो गया राइट, तो इस छंद को कंठ करने के कुछ तरीके हैं जो जो मेरे भी हेल्प आए थे, सो होपफुली आपके भी हेल्प आ जाए। वो चीज़ कुछ ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, आप अपनी तरफ से देखो आपको क्या सेट बैठता है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ जो मुझे सेट बैठा था। और इसको बताने के लिए मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा एक रास्ता होता है ना, जब हमारा सोर्स डेस्टिनेशन होता है और रास्ता हमारा बहुत लंबा होता है, सो हमेशा अब हम रास्ते पे चलते तो जा रहे हैं पर बीच बीच में अगर वो जो अलग अलग जगह आती है ना, स्टॉप आते हैं कह लो या जो भी आती है, तो वो जो बीच में आते रहते हैं तो हमको पता लगता रहता है कि हाँ हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, है ना। तो आप इस छंद को भी आप एक जर्नी मान लो, अगर आपको जानना है कि मैं उस जर्नी में उस रास्ते पे सही जा रहा हूँ या नहीं, तो बीच बीच में ना अपने स्टॉपेज बना लो आप खुद ही, जहां से कि आपको ये पता लग जाए कि हाँ अगर मैं यहां तक पहुंच गया मतलब कि मैं सही ट्रैक पे ही जा रहा हूँ, ये रास्ता मैंने जो पकड़ा ये सही रास्ता ही पकड़ा, मैं कहीं और घूम नहीं गया। सो उसमें से एक हमने पहले ही पिछले सेशन में देख लिया था, जिसमें था कि जो रिपीट थे वो ग्रीन से यहाँ पे हाईलाइटेड है, तो नमस्तंग अगंजे, नमस्तंग अपंजे, ये दो बार आते हैं इस छंद में, तो यहाँ से साइड ट्रैक होने का हमारे चांसेस होते हैं। सो ये हो सकता है कि आप यहाँ नीचे वाले से ऊपर में चले जाओ या ऊपर वाले से नीचे में आ जाओ, ऐसे हो सकता है, ये एक चीज़ की ध्यान रखनी है। दूसरा एक चीज़ है कि जैसे बीच बीच में हमने अक्षर कुछ पढ़े ना जो अलग अलग ऐसे तोड़ के पढ़ने होते हैं, जैसे उधर ऑरेंज से हाईलाइट किया हुआ है, सो एक है
है ना, आप एक इसको स्टॉपेज बना लो अपना, कि जैसे अगर आप यहाँ तक पहुँच गए मतलब आपका जो ट्रैक चल रहा है वो सही चल रहा है। एक फ्लो तो नॉर्मली आपको चाहिए ही होगा, ये सिर्फ मैं वो टिप्स बता रहा हूँ कि आप भटको ना उस रास्ते से, पर ओवरऑल कंठ करने के लिए आपको रेपिटेशन ही चाहिए, इसका और कोई तरीका है नहीं। आप अगर पूछो कोई ट्रिक हो कंठ करने की, नहीं, वो आपको रिपीट रिपीट पढ़ना होगा तभी वो उस कंठ में होगा। ये बस वो ट्रिक्स हैं जो आपको ये अश्योर करवाएंगे कि आप सही ही पढ़ रहे हो, आप कहीं और उसी छंद में कहीं खो नहीं गए। एक कह को रख लो यहाँ पे जो मैं रखता आया हूँ। जब हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारा सही ट्रैक पे जा रहा है। और एक और चीज़ आप देखोगे कि स्टार्टिंग वाले कुछ पौड़ियाँ जो है, कह लो पौड़ी नंबर 18 तक लगा लो, ये पूरे टोटल सारे नमस्तंग वर्ड के साथ हैं। ये नमस्तंग वाले जो वर्ड हैं ये यहाँ तक है, मतलब 18 पौड़ी ऑलमोस्ट नमस्तंग वाले अक्षरों के साथ है। बीच बीच में कुछ अलग भी आते हैं बट मोस्टली नमस्तंग है। जैसे यहाँ पे एक नमस्तस्त, ये वाला नमस्तस्त भी आ गया है यहाँ पे, है ना, ये रहा, ये जैसे नमस्तस्त भी आ गया, तो ऐसे बीच बीच में आते हैं बट ओवरऑल कह लो कि नमस्तंग वाले ही हैं। तो आप एक चीज ये ध्यान रख लो। और दूसरा आपका की ये हो सकता है कि सो एक कह के बाद आपका स्टॉपेज ये हो सकता है, ये जो नृ वाले अक्षर है जितने भी, है ना, ये जब आप यहाँ पे पहुंच गए तो आप फिर से एक अपने दिमाग में अंदाजा लगा लो कि हाँ आप यहाँ तक पहुंच गए, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। सो नृकर्मे नृपर्मे नृदेशे नृपेशे नृनामे नृकामे नृदाते नृगाते, ये चार नृ वाले अक्षर जब आ गए आप इसको भी अपना स्टॉपेज बना लो। उसके आगे जाके सो जोगे आ गया, उसको भी आप अपना स्टॉपेज बना लो। पहले था सो एक कै स्टॉपेज था, यहाँ पे सो जोगे आ गया, सो एक कै फिर सो जोगे। उसके बाद एक और स्टॉपेज आप बना सकते हो अदेसंग अदेसे, क्योंकि सारे के सारे नन्हे के साथ है यहाँ पे, या नमस्तंग है या नमो सर्ब है, एक अदेसंग अदेसे ही यहाँ पे ऐसा आता है जो एडे के साथ है, तो आप इसको भी अपना एक स्टॉपेज बना सकते हो, जस्ट कि आप वेरीफाई कर रहे हो आप सही ट्रैक पे हो या नहीं। और लास्ट में फिर से ये एक अलग कॉम्बिनेशन फिर आता है, जैसे हमने पहले नृ वाली दो पौड़ियां देखी थी वैसे ही फिर ये नमो सर्ब वाले आ जाते हैं, तो आप इसको भी नेक्स्ट स्टॉपेज बना सकते हो कि नमो सर्ब वाले आ गए मतलब आप ठीक जा रहे हो। उसके बाद फिर एक और स्टॉपेज आपका आ सकता है सो बन में, ये हमने आज ही पढ़ा था, सो इसको भी आप बना सकते हो सो बन में, मतलब एक सो एक है फिर सो रूपे सो बन में, ये तीन आ गए आपके, आप इसको ही चाहे सीरीज वाइज याद कर लो। उसके बाद फिर से नमस्तंग वाले स्टार्ट हो गए, सो नमो सर्ब वाले ऊपर दो पौड़ियां आई, ठीक है, नमो सर्ब नीचे भी आ रहे हैं, जैसे सो नमो सर्व जैसे यहाँ पे भी आ रहा है, नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे यहाँ पे भी आ रहा है, पर मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया ग्रीन कलर में, बिकॉज हमको सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगानी है, वो हम ये दो पौड़ियों के थ्रू लगा सकते हैं, और इस दो पौड़ियों में पूरे के पूरे जितने भी अक्षर है सो सारे के सारे नमो सर्व वाले हैं, तो आप इसको एज अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क रख लो। सो नमो सर्व वाले आ गए, फिर से नमस्तंग वाले आ गए, और लास्ट फिर से नमो सर्व वाले आ गए, मोस्टली ये नमो सर्व, नमो सर्व सोखंग, नमो सर्व पोखंग, नमो सर्व करता, नमो सर्व भरता, बीच बीच में फर्क है बट ओवरऑल अंदाजे के लिए आपका। सो इसको अगर मैं टॉप से बॉटम से देखूं, इसको ऐसे याद कर लो कि पहले तो है कि काफी देर तक नमस्तंग ही चलेगा, 18 बॉडियों तक नमस्तंग वर्ड ही आ रहा है, बस अब नमस्तंग वाले पोर्शन में हम कहीं खो ना जाएं उसके लिए आप ये एक स्टॉपेज लगा लो अपना कि सो एक है वाला स्टॉपेज लगा लो, और फिर नृ वाले जितने भी अक्षर आ गए वो आप यहाँ पे 10वीं पौड़ी तक अगर आपके नृ वाले आ जाते हैं मतलब आप 10वीं पौड़ी तक ठीक पढ़ गए हो, फिर सो जोगे को आप अपना स्टॉप बना लो, फिर अदेसंग अदेसे को स्टॉप बना लो अपना, फिर नमो सर्व वाले आ गए सारे के सारे मतलब दो पौड़ियाँ, उसके बाद फिर नमस्तंग स्टार्ट हो गया, और लास्ट में फिर नमो सर्व आ गया। तो बीच में आप ऐसे अगर अपने स्टॉप बनाते रहो तो वो जो अपनी छंद है वो आपको होपफुली आपका पूरा गो थ्रू हो जाएगा, आप फिर भटकोगे नहीं बीच में। पर ये जो मैंने हाईलाइट किया था यहाँ इस स्लाइड में जो ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है वो सिर्फ एक ही रिपीटेशन है यहाँ पे, इसको बस ध्यान देना है कि ये बस इसमें हम ऊपर नीचे ना हो जाए, पर जिनका ओवरऑल कंठ हो गया वो इसमें नहीं कंफ्यूज होते हैं, मैंने नोटिस किया मोस्टली। अगर आपका ओवरऑल कंठ हो गया वो छंद इज जस्ट दैट कि आप बीच में खो जाते हो, वो उसमें ये सारे स्टॉपेज वाली आप ट्रिक्स लगा सकते हो। सो आप अपने खुद के भी बना सकते हो स्टॉपेज अगर आपको बनाने, ये मैंने अपनी जर्नी के थ्रू आउट यूज किए थे जो मुझे हेल्प हुए थे। सो आप अगर अपने खुद के बनाने चाहते हो अपने दिमाग लगा के जैसे भी करके, सो आप अपने हिसाब से भी अपने स्टॉप बना सकते हो, जैसे यहाँ पे कम से कम नहीं तो 9 पौड़ियों तक
कुछ हमारे पास स्टॉप नहीं है, राइट। सो आप यहाँ पे अगर आप कुछ अपना वर्ड लगाना चाहते हो एज अ स्टॉप, जैसे कोई अक्षर है बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए प्रोनाउंस करना, जैसे अटा ही अक्षर है वो आपके लिए बोलना मुश्किल है क्या। अब अटा है यहाँ पे छवीं पौड़ी पे आ जाता है यहाँ पे अटा है, तो आप यहाँ पे अपना खुद का स्टॉप लगा लो कि अगर आप अटाहे पे आ गए मतलब आपकी 6 पौड़ियाँ सही तरीके से निकल गई, तो अपने अपने आप स्टॉपेज बना लो जी। हाँ जी, ये अपनी थोड़ी बहुत टिप्स हो गई जी। अगर कोई भी है जो कंठ करने की कोशिश कर रहा है जाप साहब को, बुला चुका दिखे माँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।